क्वेश्चन में क्या इवेल्यूएट दिस, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेट करना है, ठीक है. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9 प्लस 16, इसे क्या लिख लूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 माइनस, ठीक है. आगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16, देखो इस प्लस 1 को यहाँ ले आओ 1, और इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स 9 प्लस 16 1 माइनस. अब ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इस 1 को, और ये तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसी वैल्यू बना रहे हैं जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट हो, तो इसे क्या लिख लो, इस वाले ब्रैकेट को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन 9 प्लस कितना 16, और जब ये 16 आएगा तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये डी एक्स, ठीक है. ये कितना आ गया यहाँ पे 9 प्लस 16 25, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स होल अपॉन 25 माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है. अब क्या करो यहाँ 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या रख दो टी, तो ये 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस कितना साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स इक्वल्स टू कितना डी टी, ठीक है. आगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय 4, ठीक है. अब क्या करो यहाँ वैल्यूज, तो ये डी एक्स की जगह कितना 1 अपॉन 4 डी टी, और ये 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है. अब इसके लिए फॉर्मूला रख लो, देखो ये तो 1 अपॉन 4, इसके लिए क्या होगा 1 अपॉन 2 ए, और लॉग फाइव प्लस टी अपॉन फाइव माइनस टी प्लस सी. बस अब क्या करना है, टी की जगह ही रखना है, फाइव प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन फाइव माइनस फोर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी.